नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मीडिया और मैं हूं आपके साथ अंजलि। मैं मौजूद हूं सदर अस्पताल में, जहां पर ई सेवा शुरू की गई है। ई सेवा से बेनिफिट क्या होगा कि जो काम पहले मैन्युअली की जाती थी, पेपर वर्क होता था, अब वो डिजिटली हो गए। इससे आपको लग रहा होगा कि हमें क्या फ़ायदा है, तो आपके रिकॉर्ड यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से रहेगा, जिससे आप दर बदर आप कोई भी साल आए, कभी भी आए, आपके प्रिस्क्राइब मेडिसिन यहाँ पर आपको डिजिटली फॉर्म में सब कुछ देखने को मिलेगी। चाहे आपके डॉक्टर यहाँ हैं नहीं है, आपको डॉक्टर की जो सेवा होगी, डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, किस तरीके के आपकी डिजीज़ है, उस तरीके से आपको ट्रीटमेंट दी जाएगी। तो ये पूरे फॉर्म आपको डिजिटली मिलेगी, ना कि आपको सारे दफ्तर घूमने पड़ेंगे पेपर वर्क के लिए। तो हम सीधा जुड़ेंगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजीव सर से और पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे कि आपको इस सेवा से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस ई सेवा से मरीजों को क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, मैं बता दूं कि ई सेवा से क्या अभिप्राय है। लोग अभी तक सदर अस्पताल में जितने लोग भी आते थे, हम उनका रजिस्ट्रेशन मैनुअली करते थे। एक रजिस्टर में उनका नाम पता दर्ज होता था और फिर वो ओपीडी में जाके वो दिखाते थे। इस वक्त ई सेवा शुरू करने का मतलब ये है कि अब जो भी यहाँ पर मरीज आएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कंप्यूटराइज्ड होगा और रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत उनके एक आईडी मिलेगी और वो कंप्यूटराइज्ड एक प्रेस्क्रिप्शन निकलेगा और वो उसको ले जा करके जिस डॉक्टर से भी वो चाहते हैं दिखाना, वो दिखाएंगे। उसके बाद जब भी वो आएंगे, अगर वो पुर्जा नहीं भी लाए हैं, नेक्स्ट टाइम जब वो विज़िट करते हैं, तो अगर उनके आईडी उनको याद है या इसमें मोबाइल नंबर भी दर्ज होता है, तो उस मोबाइल नंबर को अगर रेफरेंस देंगे तो फिर से वो पुर्जा वो निकल जाएगा और बार बार उन्हें लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे ये एक प्राइमरी स्टेज में है इस वक्त। आगे योजना ये है कि हर डिपार्टमेंट में जो भी डॉक्टर बैठे हैं, वो भी जो प्रेस्क्रिप्शन करेंगे, वो प्रेस्क्रिप्शन डिजिटलाइज्ड हो और सभी डिपार्टमेंट्स को, कोई भी डिपार्टमेंट्स, अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के डॉक्टर से क्या लिखे हैं और रिपोर्ट्स क्या वो उसमें दर्ज किए हैं, वो देखना चाहें तो वो इसको देख सकते हैं। तो ये अभी ये ई सेवा का मतलब यही है। और कोई भी पेशेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर हमेशा वो रहेगा, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा उसके पास वो पेपर हो, लेकिन अगर वो आईडी अगर उन्हें याद है या मोबाइल नंबर याद है, तो उससे हम उनकी हिस्ट्री को ढूंढ सकते हैं। तो ये फ़ायदा है ये अस्पताल ई सेवा से। तो ये इसकी योजना है। अभी वो प्रारंभिक स्तर पर है और योजना यही है कि इसको हम आगे और करेंगे और इस तरीके की सेवा लोगों को दे पाएंगे। सर, अगर हम एक सिंपल वर्ड में समझना चाहे तो क्या ये वो कोविड में जिस प्रकार के, अगर वो दिल्ली से भी कोविड वैक्सीन लगवाए हुए हैं, तो ये धनबाद में आकर भी वो लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी रिकॉर्ड ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में है? तो क्या ऐसा हो सकता है कि सदर अस्पताल के कोई अन्य क्षेत्र में कोई मरीज ने अपनी जो बीमारी है उसको दिखाया, पर वो अब यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं और यहाँ धनबाद के सदर अस्पताल में वो अपनी चिकित्सा करवाना चाहते हैं, तो क्या डिजिटल फॉर्म में उनको वो सेवा पूरी प्राप्त की मिलेगी? देखिए, ये चीज़, ये सिर्फ सदर अस्पताल का आईडी नंबर है, लेकिन अगर आप उसकी बात करें कि इंडिया में कोई किसी कोने में चल जाए और उसके सारे रिकॉर्ड्स की बात जो आप कह रहे हैं कि अगर मिल जाए, चाहे वो दिल्ली में पहले इलाज कर रहा हो और धनबाद में, वहाँ क्या इलाज करवाया नहीं करवाया इसका जानकारी लेना हो, तो उसको आभा से लिंक करना पड़ेगा। क्योंकि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो आभा कार्ड, हेल्थ कार्ड है, उससे लिंक करना। उस कार्ड का जो आज प्रारंभिक स्तर पर बनाया जा रहा है और लोग बना रहे हैं, उस कार्ड से अगर लिंक होगा तो उस कार्ड में आपका सारा हेल्थ हिस्ट्री है, राइट फ्रॉम बर्थ से लेकर के और आपके डेथ तक। तो उसमें से लिंक हो जाएगा तो आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी जाएंगे तो आभा आईडी से आपको हिस्ट्री पता लग सकता है। आप मान लें 10 वर्ष की उम्र में आपने जो इलाज करवाया था और जब आप आज मान लें 25 साल हो गया और 25 साल में आपको कोई बीमारी हुई है, तो अगर आपका आभा कार्ड था और उससे लिंक था, तो आप उस समय देख सकते हैं कि 10 वर्ष में आपका क्या कोई ट्रीटमेंट अगर हुआ था, और अगर वो अस्पताल ई सेवा दे रहा है तो वहाँ से वो देख सकते हैं रिकॉर्ड। तो वो जो बात कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, वो ट्रीट आभा कार्ड से जब लिंक होगा तभी हो सकता है। ये इस वक्त सिर्फ इस हॉस्पिटल के लिए है। ठीक है सर, इसमें प्रोसेस क्या होगी कि ये लोग पहले मैन्युअली जैसे होता था कि लोग आते थे, अपना नाम बताते थे, कहाँ से है और फ़ोन नंबर बताते थे, इसमें क्या प्रोसेस होगा कि डिजिटली अगर वो एक स्क्रिप्ट पे ये जो रिसिप्ट निकलवा रहे हैं उसमें उनको क्या क्या जानकारियाँ देनी होगी, इससे उनको आईडी नंबर वगैरह कैसे जनरेट होगा, इसके बारे में जानकारी वही है जो अब नाम, पता, एज
और मोबाइल नंबर, जानकारी इतना ही रहते हैं हम लोग देते हैं, और किस किस विभाग में वो दिखाना चाहते हैं। जैसे ये SNMCH हाल मतलब एग्जांपल के तौर पर SNMCH जब भी हम कहीं या किसी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो अपना नाम पता बताते हैं और किस विभाग में दिखाना चाहते हैं वो बताएंगे, और उसी हिसाब से OPD का स्लिप निकलेगा और वो उसको ले करके और जिस डॉक्टर से दिखाना चाहते हैं वहाँ दिखा सकते हैं। तो आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है, आज से इसकी शुरुआत हो गई है और उम्मीद करते हैं कि हम इसमें आगे बढ़ेंगे फिर। तो जैसा कि आपने डॉक्टर संजीव सर से सुना कि यहाँ पर जो ई सेवा शुरू की गई है वो सारे पेशेंट की सुविधाओं के लिए की गई है, और अब जो भी आपको मैन्युअली काम होता था अब वो डिजिटली होगा। आपने पूरे विस्तृत तरीके से सुना कि आप जिस प्रकार आभा कार्ड से आपकी जो लिंक रहेगी कि आप कहाँ क्या ट्रीटमेंट करवा रहे थे वो पूरी अगर आप लिंक करते हैं यहाँ पर तो सारी जानकारी विस्तृत मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर और भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा ताकि आपकी सुविधा सदर अस्पताल में ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो ऐसी भिन्न खबरों के लिए बने रहे हैं मेरा मीडिया के साथ। मेरे सहयोगी उदय के साथ मैं अंजलि, मेरा मीडिया, धन्यवाद।